Good evening, friends. This is Sanjay Agarwal. I'm with Anjana Singh, the artist. She's one of the 22 artists who are displayed here in the Monsoon Ballads, which is at the IFIX from 21st to 26th of August. हमारे साथ अंजना सिंह जी जो हैं उनकी एक यूनिक पेंटिंग मैं देख रहा हूँ. वो कहती हैं कि ये मेरा खुद का आर्ट वर्क है. तो आपने कब से शुरू किया? हाउ लॉन्ग बैक? स्कूल टाइम में? नहीं, मैंने कॉलेज टाइम से किया है. स्कूल टाइम से तो मैंने बस नॉर्मली पेंटिंग्स की है, ड्राइंग्स की है, पर कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने सीखा है. तो कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने काफ़ी सारी टेक्निक्स सीखी हैं, तो उन्हीं को फॉलो करते करते मेरा अपना पैटर्न बनाया है. उसी को लेके मैं आगे अपना काम कर रही हूँ. काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, पर रेगुलरली मुझे 2-3 साल हुए हैं बस अभी इसमें, इस पैटर्न को लिए हुए. पर यह है कि मुझे ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, इस टाइप के वर्क करना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं रेगुलर इन्हीं को फोकस करती हूँ और अपनी टेक्निक को आगे ले जाना चाहती हूँ. ये मधुबनी और मंडला से बहुत डिफरेंट है. हाँ, मतलब मिक्सअप भी कह सकते हैं हम इनको, कि मैं हर चीज़ मिक्स मीडिया करती हूँ. मैं मोस्टली सारी चीज़ों को लेके काम करती हूँ, टेक्निक्स को लेके काम करती हूँ, वाटर कलर, पोस्टर कलर, पेन, इंक, इन सब को लेके मैं मोस्टली काम करती हूँ. तो मोस्टली मेरा वर्क मिक्स मीडिया में रहता है. ओके, आपके जो सब्जेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं, दिस इज़ एन ओल्ड मैन, मैं बोलूँगा जो सैफरन है तो लोग बोलेंगे शायद बुद्धिस्ट हैं. तो और क्या आप लोग पेंट करते हैं, मतलब अदर देन फेसेस, लैंडस्केप्स? मोस्टली मैं ज़्यादातर गर्ल्स को लेकर काम करती हूँ, वुमेंस को लेके, उनकी जो आजकल सोशल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में जो फील करती हैं लेडीज, लड़कियाँ, उनके टॉपिक्स में थोड़ा फॉलो करती हूँ, उनको फील करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक लेडी हूँ, तो फिर मुझे वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, उनकी फीलिंग्स, जैसे मोस्टली उनके साथ क्या चल रहा है आजकल सुनने को मिलता है, तो उनको लेके और कुछ अपनी थिंग्स लेके मैं काम करती हूँ. Okay. अब आपने क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बोला, वुमेन्स, है ना, एंड वुमेन्स तो मतलब फैमिली का एक हार्ट ऑफ द फैमिली है, है ना, तो हम लोग भी इफेक्टेड हैं. ये नहीं है कि आप वुमेन है, मैं मैन हूँ, तो मैं इसको अनसुना करूँ, है ना. तो हम लोग जानना चाहेंगे और थ्रू दिस वीडियो वी वांट टू गिव द मैसेज. तो क्या समस्या आप हमें बताना चाहेंगी जो आजकल वुमेन फेस करती हैं, और उसका हल भी आप ही बताएं. मोस्टली ये होता है ना कि जो मैरिज से पहले की लाइफ होती है लड़कियों की, वो थोड़ी फ्रीडम वाली होती है, फिर शादी के बाद थोड़ी बाउंड हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है. तो वो चीज़ें मेरी सिस्टर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें उनको सुनने को मिलती है मुझे, तो वो चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती है. और मोस्टली आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी सुनने को मिलता है, तो उनको लेके भी मैं एक दो वर्क किए मैंने. मोस्टली मैं ड्राइंग्स में काम करती हूँ, ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैं उनके फिगर्स को लेके, मोस्टली लोगों की थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उस चीज़ को मैं फोकस करती हूँ अपने काम में, और मतलब जो मैं फील करती हूँ वही दिखाती हूँ मैं मोस्टली ड्राइंग्स. पेंटिंग अगर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं? हाँ नहीं, वो वर्क मेरे नहीं है, क्योंकि मैं उनको अपना सोलो शो करना चाहती हूँ, उनको कुछ वर्क को मैं और इकट्ठा करना चाहती हूँ, ताकि वो काफ़ी मैं अच्छे लेवल पर दिखा सकूँ अपने काम, ताकि वो पसंद आए. अभी मेरी कुछ चीज़ें, मतलब मेरा मोस्टली वर्क कहीं छूट गया था, मतलब कहीं पे मिस हो गया था पूरी स्केच बुक मेरी, तो मोस्टली मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है वो सारा, तो थोड़ा सा मुझे उस चीज़ को दोबारा शुरू करने में टाइम लग रहा है. अभी मोस्टली मेरे 50 वर्क्स थे वो जो मेरे खो गए, तो रीपेंट करेंगे उसको. हाँ, आप? मैं उनको रीपेंट कर रही हूँ, दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, तो थोड़ा वक्त लगता है आर्टिस्ट को पूरा बैकअप लेने में, पूरा वो सब स्टार्ट करने में, तो वही मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और साथ के साथ जॉब करना और बाकी चीज़ें देखना, तो उसके साथ साथ थोड़ा मुश्किल होता है मुझे. आपने जो बोला ना कि जब वुमेन इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, तो नॉर्मली आपने बोला कि मैरिज से पहले द गर्ल इज फीलिंग फ्रीडम, बट आई नो सो मैनी गर्ल्स एंड लेडीज जो मैरिज से पहले सोच रही थी कि हम लोग तो पिंजरे में हैं और हम लोग आज़ाद हो गई हैं, है ना, उनको ससुराल में चाहे सास को वो घुमा रही हैं, जब सास उनको आज़ादी फ्रीडम दे रही है कि भैया अगर उसको मैं नहीं दूंगी फ्रीडम तो माई बहू विल गो अवे, है ना,
तो आपका जो है वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या है। सबके अलग अलग थिंकिंग होती है, पर जो मेरी थिंकिंग है, जो मैं देख रही हूँ मतलब अपने आसपास अराउंड, अभी मेरी सडनली कजन सिस्टर की डेथ हो गई, तो मोस्टली उसका जो डेथ हुई है वो भी मतलब ससुराल में हुई है, तो वो मुझे फेस मतलब फेस किया ना मैंने कल, तो वो सब सुन के चीज़ें देख के थोड़ा दुख होता है कि ऐसा कैसे हो गया सडनली, तो वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है मुझे। तो आपका जो मैं समझ रहा हूँ इट्स अ वेरी इमोशनल कनेक्ट है आपका। हाँ, और वो हाँ नहीं इमोशनल हम लोग भी हैं, सब लोग ही हैं। हाँ, पर मैं बहुत ज़्यादा हूँ तो मैं चीज़ों को जल्दी कैप्चर कर लेती हूँ कि मतलब ये ऐसे कैसे हो गया और मतलब ऐसा क्यों हुआ, राइट, तो थोड़ा फील करती हूँ मैं चीज़ों को। अब क्योंकि आखिरी में 2 मिनट में हम लोग ये पूछना चाहेंगे कि क्या आपका एक मैसेज है फॉर मैन वुमेन, जो आप समझती हैं कि समाज में ये बदलाव होना चाहिए। मैसेज तो बस मेरा ये है कि सब इक्वल हैं, सबको इक्वल रहना चाहिए, और जितना हो सके मतलब जितना मैं सब आर्टिस्ट का एक लेवल जो होता है ना वो थोड़ा अलग सोचता है, तो थोड़ा उस लेवल को भी हमें मतलब फ्रीडम होनी चाहिए। अगर जो लड़कियां काम करना चाहती हैं आगे तो वो काम कर पाए अपना, उनके लिए दिन में 2 घंटे या 1 घंटा उनको स्पेशली मिले उस चीज़ के लिए कि वो ताकि अपना जो भी वो अपना करना चाहती हैं आगे उस लेवल को थोड़ा आगे बढ़ा पाएं। ओके, और यहाँ पे आप अभी जैसे आ रहे हैं 20 तारीख से आप लोग आ रहे हैं, तो आपको इधर जो और आर्टिस्ट से भी आप मिले हैं है ना, और मैंने देखा कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आपको उनसे मिलके क्या सीखने को मिला? मोस्टली एग्जीबिशन तो मैं करती रहती हूँ, ऑनलाइन भी, आजकल तो लॉकडाउन है मोस्टली ऑफलाइन तो हो नहीं रही है एग्जीबिशन, तो ऑनलाइन तो करती रहती हूँ मैं। और मोस्टली मेरा, मैंने आपको कहा ना कि फैमिली फाउंडेशन होती है थोड़ी, तो मोस्टली मैं इनॉग्रेशन में आ ही नहीं पाती हूँ इसी वजह से, तो मैं अपने काम को जितना टाइम दे पाती हूँ उतना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम को टाइम दे पाऊँ। okay. और आगे भी मैं अपना काम के लिए आगे मतलब जितना टाइम मुझे मिलेगा मैं वो फोकस करूँगी अपने काम के लिए। ये जो पेंटिंग अभी जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे पहले, तो इसको आपका कितने समय लगा इसको बनाने में? मुझे इसको 15 दिन लगे थे। 15 दिन, दिन रात पूरा दिन? मैं ऑफिस भी जाती हूँ तो जो टाइम मुझे मिलता है रात को 1 बजे 2 बजे जो भी टाइम मिलता है उसको फोकसली मैं 2-3 घंटे डेली काम करती हूँ। मोस्टली कभी 1 हफ्ते में भी कंप्लीट हो जाती है, कभी 15 दिन भी लग जाते हैं, वो टाइम पे डिपेंड करता है कि मुझे कितना टाइम मिल रहा है। हो सकता है फैमिली इशू जाते हैं कई बार कि मतलब कुछ नहीं मिल पा रहा है टाइम, तो 1 दिन ऑफ करके फिर अगले दिन करती हूँ, तो ऐसे ही टाइम निकाल निकाल के ऑफिस भी जाना फिर काम भी करना, तो अपने काम को मैं फोकस करती हूँ अपने काम के लिए, टाइम भी देती हूँ उसको, और अपना बाकी जो फ्रेंड्स है और बाकी मेरे और कजन्स है सबको मतलब मोस्टली टाइम देना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, कि सबको लेके चलती हूँ मैं साथ में। एक सवाल जो हम लोग कभी कभी किसी किसी आर्टिस्ट से पूछ ले रहे हैं कि वो है कि जो भी पेंटिंग बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि हमारी प्रदर्शनी में वो देखें लोग, उसकी सराहना करें, और फिर ऑब्वियसली लोग चाहेंगे कि उसको लोग खरीदें, है ना? तो आपकी पेंटिंग्स जो आप रेगुलर आप काफ़ी टाइम से बना रही हैं, तो आप सेल करती हैं पेंटिंग्स? हाँ, मोस्टली सेल करती हूँ मैं, और बाकी मैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो भी मेरे काम को प्रेफर करते हैं, तो अपने घर में लगाना पसंद करते हैं, तो वो भी ले जाते हैं मेरे काफ़ी सारी पेंटिंग्स। हाँ, तो मैं बस भी देते हैं कुछ को अपने जैसे अपने तरीके से बनवानी होती है किसी को, तो वो भी अपने आप मुझे कॉल कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि हमें इस टाइप की पेंटिंग चाहिए, तो ले जाते हैं। right. तो मैं अब पेंटिंग की कीमत नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो सामने हमें हेल्प कर रहे हैं आज, मैंने पूरे 15-20 लोगों का इंटरव्यू किया, मैंने सबसे नहीं पूछा, उनसे भी पूछा था, तो आपसे भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अट्रैक्टिव मुझे लगा ये पेंटिंग, तो मैं दर्शकों को तक पहुँचाना चाहूँगा ना, क्योंकि आर्ट वर्ल्ड जो है, अब जिसको पसंद आया कोई चीज़ तो वो सोचेगा कि मेरा मन है ख़रीदने का, लेकिन मेरे को कीमत नहीं पता, अब वो सोचेगा पता नहीं आर्ट वर्ल्ड में कैसे वो बना दे रहे हैं कि इतनी इतनी महंगी हैं। हाँ, तो हाँ, तो रेंज किसी को नहीं, तो किस रेंज की पेंटिंग में आपका ये कैटेगराइज करते हैं? ये 15,000 की पेंटिंग है मेरी। अच्छा। और मैं ज़्यादा नहीं रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा काम लोगों को पसंद आए। हाँ, और उसकी रेंज इतनी हो कि वो अफोर्ड कर पाए। वही मेरा जो मकसद ये था, क्योंकि अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे 5-6 साल से, तो मैंने देखा कि कुछ आर्टिस्ट के सेल
दो चार दिन में ही उनकी सब पेंटिंग्स बिक जा रही हैं। वो एक शो था जिसमें उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग्स की रखी थी बहुत छोटी छोटी, और वो पेंटिंग्स उन्होंने बहुत 1,000, 500, 800, 1,000 यू नो जो भी। तो वो ऑब्वियसली मतलब कोई भी आएगा, और अगर फेस्टिवल सीजन इंडिया में तो 12 महीने चलते हैं, तो लोग खरीद लेंगे कि भैया आज के दिन किसी को कुछ चॉकलेट का बॉक्स भी देना है, उसकी जगह पेंटिंग दूंगा मैं। अब वो जो एक साथ में शो चल रहा है तो उन्होंने दो चीफ गेस्ट बुलाए थे, डॉक्टर शोभना नारायणन जी को और एक और प्रदीप शर्मा जी आए थे, तो उनको उन्होंने दो पेंटिंग्स दी गिफ्ट में, है ना। तो वो भी मैंने पहली बार देखा कि कोई आर्टिस्ट पेंटिंग अपनी गिफ्ट कर रहा है। बट ठीक है, इट्स गुड ना, जैसे आप और जो आर्टिस्ट का जो जिन्होंने बनाई थी उनका कहना था कि ये जिनको मैंने दी है ये रोज मेरी पेंटिंग देखेंगे। वही वही मेरे साथ होता है, मैं भी अपने रिलेटिव्स और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बर्थडे गिफ्ट या मोस्टली मैं अलग से टाइम निकाल के उनके लिए स्पेशली पेंटिंग बनाती हूँ, तब मैं उनको गिफ्ट करती हूँ। मोस्टली मतलब मैं सबके लिए सोचती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए है, और उनके लिए स्पेशली बना के टाइम निकाल के तब मैं उनको देती हूँ गिफ्ट करके। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम सोच लेते हैं कि यार फ्रेम क्या कराना, इतना महंगा फ्रेम होता है ऐसे ही दे दो, पर मैं मोस्टली फ्रेम करा के उनको प्रॉपर जिस तरीके से देना चाहिए सामने वाले को थोड़ा अच्छा फील हो, तो वैसे ही मैं देती हूँ उनको। थैंक यू सो मच, और मैं आशा करूँगा कि किसी दिन आप जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनको भी कोई गिफ्टिंग करें। हाँ जी, ये मेरी कोशिश रहेगी। मेरे कज़न है, उनकी वाइफ भी पेंटिंग बनाई है, उन्होंने वो शायद कौन से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में काफ़ी है उनका, तो उन्होंने पीछे एक मोदी जी की बनाई है शायद बीड्स की, यू नो वो अलग अलग लोगों का अलग अलग वो रहता है। मैं भी ट्राई करूँगी, मैं अपने मीडियम से जैसे मैं काम करती हूँ उसी तरीके से मैं उनके लिए भी कुछ बना पाऊँ। सो ऑल द बेस्ट अंजना, एंड हम लोग सब दर्शकों को फिर एक बार दोबारा बोल रहे हैं कि ये एग्जीबिशन में आप लोग पार्टिसिपेट करिए, और वीडियो के माध्यम से तो आप लोग 12 महीने जुड़े रहेंगे, लेकिन आईफेक्स गैलरी पे लगातार प्रदर्शनी चलती रहती है, तो आप लोग इधर कभी कभी विजिट करिए। थैंक यू।